नमस्कार, बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर। और लास्ट हम लोगों ने बात की थी कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, उद्देश्यों की आवश्यकता और उसका वर्गीकरण, उसकी बात हमने की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी। अब देखने से पता चल रहा है ये दो शब्दों से बना है। पहला तो है शिक्षण और दूसरा है तकनीकी। शिक्षण यानी पढ़ाना और तकनीकी जिसके द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो बीएफ स्किनर 1968 के द्वारा के अनुसार उन्होंने बताया कि जो शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशालिता में वृद्धि करता है तथा जो शिक्षण प्रक्रिया को समुन्नत बनाता है। तो सामान्य शब्दों में हम समझेंगे कि जो शिक्षण तकनीकी के द्वारा शिक्षण कार्य को तो प्रभावशाली बनाया जाता है, यानी शिक्षण की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, प्रभावशाली होती है। और जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य में प्रभावशालिता लाता है, यानी जो शिक्षण कार्य जो शिक्षक करवा रहा है वो क्या होता है, प्रभावी ढंग से होता है। मतलब कि जो छात्र और शिक्षक अंतःक्रिया है वो प्रभावी रहती है। किसके द्वारा? शिक्षण तकनीकी के द्वारा, यानी तकनीकी के द्वारा शिक्षण कार्य है प्रभावी रहता है। तो अब हम देखेंगे शिक्षण तकनीकी के सिद्धांत। शिक्षण तकनीकी शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं देखेंगे हम लोग। शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं, अब जो शिक्षण तकनीकी है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है या फिर इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली हम देखेंगे कि उद्देश्यों की प्राप्ति। पहली क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति। अब बात तो शिक्षण यानी पढ़ाने की हो रही है, तो जिस तकनीकी के द्वारा जब पढ़ाया जाएगा तो उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। अब वो उद्देश्य हम लोगों ने कल ही पढ़े थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान पर आधारित, भावना पर आधारित और क्रियात्मक यानी कौशल पर आधारित जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति इस तकनीकी के द्वारा होनी चाहिए। फिर बात आती है दूसरा हमारी विशेषता है शिक्षण सिद्धांतों का समावेश। शिक्षण सिद्धांतों का समावेश। शिक्षण सिद्धांतों का समावेश, अब जो ये तकनीकी है इसके अंतर्गत शिक्षण सिद्धांत, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक, इन सिद्धांतों का समावेश इस तकनीकी के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब कि ये शिक्षण कार्य है वो हमें प्रिंसिपल्स यानी नॉर्म्स जो भी दे रखे हैं उनको आधार मानकर ही करना है। यानी कि तकनीक हम यूज कर रहे हैं तो हम अपने सिद्धांतों से अलग होकर फिर पढ़ाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो शिक्षण के हमने सिद्धांत पढ़े हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तो उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही इस तकनीक का यूज करना है। यानी ये तकनीक इन विशेषताओं की अवहेलना नहीं करे, मतलब इस सिद्धांतों पर आधारित हो। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी कि विकास और परिवर्तन। अब विकास और परिवर्तन कैसे? तो विकास की जहां बात आती है तो इस तकनीकी से जो शिक्षण कार्य है उसका विकास होना चाहिए। और परिवर्तन की जहां बात आती है तो हम प्रत्येक कार्य यानी किसी भी कार्य को करने के बाद उसको देखते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं तब हमें पता चलता है कि कार्य सही हुआ है या नहीं हुआ है। और मूल्यांकन द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा कार्य कहाँ तक सही है। तो
इस तकनीकी के अंतर्गत ये विकास की बात को देखना और परिवर्तन भी होना चाहिए, मतलब कि इस तकनीकी में परिवर्तन की भी तो वो रहनी चाहिए कि हाँ परिवर्तन भी किया जा सके। फिर बात आती है शिक्षण प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली, शिक्षण प्रभावशाली। हमने परिभाषा के माध्यम से ये पढ़ा था और जो विशेषता है वो भी यही है कि जो शिक्षण कार्य वो कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए इस तकनीक के द्वारा। फिर बात आती है शिक्षण स्तरों का प्रयोग। अब शिक्षण स्तरों का प्रयोग, अब शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं? स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बौद्ध स्तर, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो अब जो शिक्षण तकनीकी है उसके अंतर्गत ये विशेषता होनी चाहिए कि शिक्षण के जो तीनों स्तर हैं उसका प्रयोग यहाँ पर इस तकनीक के अंतर्गत होना चाहिए। फिर बात आती है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों सक्रिय, शिक्षक एवं विद्यार्थी सक्रिय। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तकनीकी का यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो आप छात्रों की अवेल ना करो, आप अपनी तकनीक लाए और आप उससे पढ़ा रहे हो लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इस तकनीक का कोई मतलब नहीं है, आपकी तकनीक सही नहीं है। तो तकनीकी का यूज करते वक्त आपको जो विद्यार्थी और शिक्षक है दोनों को सक्रिय रहना है, कक्षा कक्षा में दोनों की अंतर्क्रिया होनी आवश्यक है, तभी ये तकनीक सही मानी जाएगी। तो ये हम इन विशेषताओं के माध्यम से हमने देखा कि शिक्षण तकनीकी किस प्रकार उपयोग में आएगी और किन किन चीजों को वो लिए हुए होगी। अंत में हम लिखते हैं गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य, शिक्षण तकनीकी से आप क्या समझते हैं, सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका उत्तर देंगे। शिक्षण तकनीकी से आप क्या समझते हैं, समझते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। शिक्षण तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें या अपने फेस को सही तरीके से कवर करके जाए। यदि आप बाहर जाते हैं तो आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखें और सभी को इसके लिए जागरूक करें कि आपस में 6 फीट की दूरी बनाए, इस प्रकार से आपको कहना चाहिए। और यदि आप सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहां पर यदि आपने किसी चीज को छुआ है तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें या फिर घर पर आकर साबुन से उन्हें अच्छी तरीके से साफ करें। सुरक्षित रहें और सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।